Welcome back to my YouTube channel Ruby Dress Designs. So in today's video, I will share you that how to design this most trending Alia Cut kurti in easy way, step by step. So please keep watching this video till the end so that you can easily understand the designing of this dress. Basically guys, इस summer season आलिया कट कुर्ती का बहुत ही ज़्यादा trend चल रहा है एंड मैंने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर इसकी बहुत ही सारी रिक्वेस्ट रिसीव की थी. दैट्स वाई आई हैव डिज़ाइन दिस. सो इन इजी स्टेप्स आई विल शेयर यू दैट हाउ टू डू दिस. सो फर्स्ट हम यहाँ इसका फैब्रिक देख लेंगे. आई एम यूजिंग 3 मीटर प्रिंटेड रेयन फैब्रिक. सो इस ड्रेस के लिए जो मैं यहाँ फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ वो प्रिंटेड फैब्रिक है, रेयन मटेरियल है एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इस पर प्रिंट जो हुआ है उसके ऊपर काफ़ी शाइनिंग भी है. देन प्लाजो के लिए भी हम रेयन फैब्रिक ही यूज़ करेंगे. हियर आई एम यूजिंग 1.5 मीटर प्रिंटेड रेयन फैब्रिक. बट गाइस, हमें यहाँ कुर्ती में जो शाइनिंग दी थी प्रिंटेड शाइनिंग, बट इस पर वो शाइनिंग नहीं है जस्ट बिकॉज ये प्लाजो का फैब्रिक है, ये सिंपल है. देन आई एम यूजिंग 1/2 मीटर कॉटन लाइनिंग फैब्रिक जिसको मैंने यहाँ 4 फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हीयर. सो फर्स्ट हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे. शोल्डर के लिए यहाँ मैं 7 इंचज पर मार्क करूँगी. देन आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचज पर ही मार्क करेंगे. बस्ट के लिए यहाँ मैं 9 इंचज पर मार्क कर रही हूँ. आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हो. वेस्ट के लिए यहाँ हमने 8 इंचज पर मार्क किया है. आफ्टर दैट गाइज, एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए यहाँ हम 1.5 इंचज़ का मार्क करेंगे. सो इस टाइप से हमने यहाँ फॉर सीविंग अलेवेंस 1.5 इंचज़ का एक्स्ट्रा लूजिंग मार्क कर दिया है. शोल्डर डिप देंगे 1/2 इंचज़ का. देन हम फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे. जो मार्किंग की है इसको हम एज इट इज़ कट कर देंगे. कट करने के बाद हमें 2 पार्ट्स मिल जाएंगे. ये हमारे फ्रंट एंड बैक 2 पार्ट्स रहेंगे. सो यहाँ हम नेम डाल देते हैं. बैक एंड फ्रंट के अलग अलग हमने यहाँ पर नेम डाल दिए हैं. इसके बाद गाइज हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे. सो मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए जो हमने लाइनिंग की कटिंग की है उसको एज इट इज़ इसके ऊपर रख देंगे एंड रखने के बाद हम इसको सिंपली कट कर देंगे. यहाँ हमने दोनों ही आफ्टर कटिंग फर्स्ट हम बैक नेक मार्क करेंगे. सो नेक विड्थ यहाँ हम 3 इंचज ले लेंगे एंड बैक नेक डीप के लिए हम 3.5 इंचज पर मार्क करेंगे. सो यहाँ बैक नेक डीप के लिए मैंने 3.5 इंचज पर मार्क करते हुए नेक की शेप दे दी है. देन अगेन हमने फ्रंट पार्ट को 2 फोल्डेड कर लिया है एंड उसके लिए भी हम नेक विड्थ यहाँ 3 इंचज लेंगे. नेक डीप के लिए यहाँ मैं 6 इंचज पर मार्क करूँगी एंड मार्क करते हुए यहाँ पर वी शेप ड्रॉ कर लेंगे. सो फ्रंट पार्ट के लिए हमने वी शेप ड्रॉ कर लिया है. बैक पार्ट के लिए हमने राउंड नेक लिया है. सो अब हम दोनों ही पार्ट्स को डबल फोल्डेड कर लेंगे इस टाइप से. एंड डबल फोल्डेड करने के बाद जो हमने हाफ साइड मार्किंग की थी उनको टैप टैप करते हुए ट्रेस कर लेंगे. सो इस टाइप से हमने टैप टैप करते हुए इनको ट्रेस कर लिया है. जो मार्किंग है उसको हम डार्क कर लेंगे. डार्क करने के बाद हमारे नेक की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी. इस टाइप से हम फ्रंट नेक को भी डार्क कर लेंगे. आफ्टर दैट जो नेक की मार्किंग की थी उस पर 1-1 स्टिचिंग लगा देंगे. हम आपको स्टिचिंग करते हुए दिखाते हैं. सो इस टाइप से जो हमने मार्किंग की थी जस्ट उसी के ऊपर हमें एक स्टिचिंग लगा देनी है. सो गाइज, अगर आप इस टाइप से नेक की डिज़ाइनिंग करोगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड क्लीन होगा. एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम 1/2 इंचज़ का मार्जिन देते हुए कट कर देंगे एंड छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे दोनों ही नेक्स में. इस टाइप से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे. इसके बाद हम लाइनिंग को अंदर की साइड फ्लिप कर देंगे. देन हमारा जो मेन फैब्रिक है वो राइट साइड से ऊपर की ओर आ जाएगा. अगेन हम नेक की फिनिशिंग देने के लिए सेकेंड स्टिचिंग लगाएंगे. सो यहाँ हमने नेक की फिनिशिंग दे दी है. सेकेंड स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया. इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड करेंगे एंड आर्म होल के लिए हम 1/2 इंचज़ का डीप देंगे जो मैं देना भूल गई थी. नीचे आलिया कट के लिए हम 4 इंचज़ का मार्क करेंगे एंड उसके बाद अपनी फिटिंग का रफली एक मेजरमेंट ले लेंगे. एंड आफ्टर दैट हम आलिया कट के लिए हम वेस्ट से इस टाइप से तिरछा मार्क करेंगे. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ये हमारी आलिया कट की मार्किंग हो गई है. इसके बाद जो हमने 1/2 इंचज़ की आर्म होल डीप ली थी एंड आलिया कट की मार्किंग की है उसको एज इट इज़ कट कर लेंगे. सो गाइस, यहाँ आप हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट को इजीली देख सकते हो. दोनों ही अच्छे से पता चल रहा है. देन उसके बाद हम फ्रंट एंड बैक दोनों को एक साथ मिलाते हुए रखेंगे. शोल्डर्स एंड फिटिंग से दोनों को हमें स्टिचिंग दे देना है. सो यहाँ फर्स्ट हम शोल्डर को स्टिच करेंगे.
देन अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इस बॉडीज़ की साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ हमने बॉडीज़ की शोल्डर्स एंड साइड्स को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। हम इसे आपको टर्न करके दिखाते हैं इसका लुक किस टाइप से आया है। सो टर्न करने के बाद इसका लुक काफ़ी नीट एंड क्लीन आया है। आप चाहे तो नेक एंड वेस्ट पर कोई भी लेस ऐड कर सकते हो। मैं लास्ट में जाकर लेस ऐड करूँगी। इसके लिए फर्स्ट हम इसको एक्साइड कर लेंगे। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लेंगे। यू कैन सी दिस इज द फोर फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो गाइज, यहाँ हमने 30 इंचेस की स्लीव लेंथ ली है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्लीव की लेंथ एडजस्ट कर सकते हो। आर्म होल के लिए हम 9 इंचेस पर मार्क करेंगे। देन आर्म होल डीप के लिए हम 2.5 इंचेस का मार्क करेंगे। दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए हम आर्म होल की शेप दे देंगे। आफ्टर दैट रिस्ट के लिए 6 इंचेस का मार्क करेंगे। अगेन हम स्लीव की दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्लीव की मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग कर देंगे। जो मार्किंग की थी उसको एज इट इज़ कट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें 2 स्लीव्स मिल गई हैं। सो फर्स्ट हम स्लीव को 1/2 इंच का अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। देन सेकंड फोल्ड करते हुए हम एक स्ट्रेचिंग लगा देंगे। देन उसके बाद जो स्लीव्स की फिटिंग है उसकी वो वाली स्टिचिंग भी लगा देंगे। सो यहाँ हमने स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी हमने साइड वाली फिटिंग स्टिच भी दे दी है। इसको राइट साइड में हम आपको टर्न करते हुए दिखाते हैं। सो ये हमने स्लीव्स को राइट साइड में टर्न कर लिया है। दोनों ही स्लीव्स रेडी हो गई हैं। इसके बाद हम स्लीव्स को टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। सो इस टाइप से हम रखते हुए आपको दिखा रहे हैं। हमें यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर लेना है, दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। सो फाइनली यहाँ हमने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हमारा टॉप पार्ट एकदम रेडी हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू कट द बॉटम पार्ट। सो बॉटम पार्ट के लिए यहाँ मैंने 1-1 मीटर के 2 फैब्रिक पीस ले लिए हैं। फर्स्ट हम बैक पार्ट को दिखाते हैं। बैक पार्ट हमारा 2 फोल्डेड है जिसकी लेंथ 30 इंचेस है। 2 फोल्डेड होने के बाद बैक पार्ट की विद 22 इंचेस या फिर 42 इंचेस विद रहेगी। सो गाइज, यहाँ हमें बेसिकली बैक पार्ट में ऊपर की ओर 2 स्टिचिंग लगानी है। देन उसके बाद हमें गैदरिंग्स कर लेनी है सिंपली। सो इस टाइप से हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। देन हम यहाँ फ्रंट पार्ट ले लेते हैं। फ्रंट पार्ट ऑल्सो इन 2 फोल्डेड जिसकी ओपन साइड मेरी ओर है। इसकी भी विद 22 इंचेस है 2 फोल्डेड होने के बाद। एंड लेंथ 30 इंचेस प्लस 4 इंचेस एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 34 इंचेस। सो यहाँ बेसिकली जो हमने टॉप पार्ट में 4 इंचेस का एक्स्ट्रा अर्लियर कट मार्क किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने फ्रंट पार्ट के 4 इंचेस एक्स्ट्रा ली है। सो यहाँ पर हम 4 इंचेस का मार्क करेंगे ऊपर की ओर। देन उसके बाद हम आलिया कट का शेप ड्रॉ करेंगे। सो जैसे कि हमने टॉप में आलिया कट का शेप ड्रॉ किया था तिरछी मार्किंग करते हुए, ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट के लिए भी, फ्रंट पार्ट के बॉटम के लिए भी आलिया कट का शेप ड्रॉ करेंगे इसी टाइप से। सो यहाँ मैंने 4-4 इंचेस का मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली थी। उसके बाद हम इसमें आलिया कट देने के लिए इस टाइप से हम स्केल रखेंगे एंड तिरछा मार्क कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन। जो मार्किंग की है उसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। सो बेसिकली ये हमारे फ्रंट पार्ट की आलिया कट शेप कट हो गई है जो हमारी स्ट्राइप से कट हुई है कि ऊपर की ओर से हमें उठी हुई दिखेगी। सो इस टाइप से हमें यहाँ पर फर्स्ट 2 स्टिचिंग लगा देनी है। स्टिचिंग लेंथ ज़्यादा लेते हुए हमें यहाँ 2 स्टिचिंग लगानी है टू मेक गैदरिंग्स। सो गैदरिंग्स बनाने के लिए हम अब स्टिचिंग लगाएंगे। सो यहाँ मैं फर्स्ट 1 स्टिच लगा रही हूँ। सो गाइज, ऊपर की साइड से 1/2 इंचेस का मार्जिन देते हुए हम 1 स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। सो ऐसे ही हम सेकेंड स्टिच लगाएंगे। सो गाइज, जो फर्स्ट स्टिच रहेगी उसी के बिल्कुल बराबर से हल्का सा मार्जिन देते हुए 0.3 इंचेस का मार्जिन देते हुए हम सेकेंड स्टिचिंग लगाएंगे।
सो जो फर्स्ट स्टिचिंग लगाई है उसके ही सिंपली साइड्स में हमें सेकंड स्टिचिंग दे देनी है, जिससे कि गैदरिंग्स अच्छे से बन जाए, जिससे कि गैदरिंग्स का लुक भी अच्छा आए। सो इस टाइप से हमें सेकंड स्टिचिंग लगा लेनी है। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें ऊपर या फिर नीचे के दोनों ही स्टिचिंग के थ्रेड्स को पुल करना है। सो बेसिकली यहाँ मैं दोनों ही स्टिचिंग के थ्रेड्स को अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद ऊपर वाले टू थ्रेड्स में एक नॉट बना लूँगी, जिससे कि मैं इनको पुल कर सकूँ इजीली। सो इस टाइप से यहाँ मैंने एक नॉट बना लिया है। उसके बाद हाथ से हम धीरे धीरे पुल करेंगे एंड गैदर्स बनाएंगे। सो गाइस यहाँ आप चाहो तो वन स्टिच लगा कर भी गैदर्स बना सकते हो, बट अगर आप टू स्टिच लगाने के बाद गैदर्स बनाते हो तो काफ़ी अच्छा लुक आता है, यू कैन सी। सो यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स में गैदरिंग्स बना ली हैं। इसी टाइप से आपको भी रिंग्स बना लेनी है एंड अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेनी है। सो गाइज इसके बाद हम गैदरिंग्स को वेस्ट से ज्वाइन कर देंगे एंड साइड से भी हम दोनों ही पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। सो उसके बाद यहाँ आई एम यूजिंग 2.5 मीटर लेस, आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट। सो ड्रेस को मोर इन्हेंस करने के लिए यहाँ मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ। नेक एंड वेस्ट दोनों पर ही लेस को अटैच कर दूंगी। सो यहाँ मैं आपको अटैच करते हुए दिखा रही हूँ। सो जो हमने गैदरिंग्स की थी, फर्स्ट हम गैदरिंग्स वाले पार्ट को बॉटम एंड टॉप पार्ट को एक साथ वेस्ट से स्टिच कर लेंगे। सो इस टाइप से यहाँ मैंने आलपिन की हेल्प से दोनों ही फैब्रिक्स को सिक्योर कर दिया था, जिससे कि स्टिचिंग करने में इजी रहे। सो यहाँ मैंने इनकी वेस्ट को भी स्टिच कर दिया है दोनों ही पार्ट्स की। इसके बाद हम नेक पर लेस को अटैच करेंगे, मैं आपको अटैच करते हुए दिखाती हूँ। सिंपली ही हमें इस टाइप से इस लेस को भी अटैच कर देना है ड्रेस के लुक को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। सो गाइज यहाँ मैंने लास्ट में स्लीव्स पर भी इसी लेस की 3-3 लाइंस लगा दी थी दोनों ही स्लीव्स पर। इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आया था। सो गाइज इस टाइप से हमने लेस को स्लीव्स पर भी 3 टाइम्स लगा दिया था, जिसके बाद इस ड्रेस का लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय आलिया कट कुर्ती, जिसके साथ हमने लूज प्लाजो वियर किया था। सो इस लूज प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग का लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड यूट्यूब चैनल, लिंक इज़ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंड चैनल पर भी मैं बहुत ही वीडियोस डालती रहती हूँ, काफ़ी डिज़ाइनिंग की वीडियोस डालती हूँ, स्टाइलिश ड्रेसेस, तो आप मेरे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस, और आपको इस ड्रेस का लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।